और कैसे हो? एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही यार मेरा तुमसे कि कैसे हो तुम लोग, कुछ नया सीखा? यस अगर कुछ नया सीखा तो जस्ट लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि क्या वो नया चीज है जो तुम इस क्वारंटाइन में अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, सीख रहे हो, वट एवर इट इज। आई एम स्लीपिंग, कैन यू कम टू द टॉपिक? अगर तुम सही में जानना चाहते हो इन तीन क्वेश्चंस में से किसी एक में भी, अगर तुम थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो जस्ट वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, यू विल गेट अ लॉट हेल ऑफ नॉलेज। अगर तुम इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जब भी कोई गुरुकुल में जाता था एंशियंट टाइम में, अगर कोई गुरुकुल में जाता था उनके सर को कम्प्लीटली शेव्ड किया जाता था, नंबर वन। नंबर टू, क्या रीजंस थे क्यों जब आप आर्मी या किसी डिफेंस में जाते हैं, डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, तो आपके सर को या तो बस कट किया जाता है या कम्प्लीटली शेव किया जाता है। नंबर थ्री, क्या रीज़न है मैंने अपना सर शेव किया है और क्या रीज़न होते हैं कि क्यों मंक या किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोग मोस्टली अपना सर कम्प्लीटली शेव्ड कर लेते हैं। अगर आप इनमें से एक भी रीज़न जानना चाहते हो कि क्यों ऐसा है तब इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपका रियल एक अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं इन चीज़ों के बारे में तो भी बने रहिए। और देखो क्वारंटीन में ऐसे ही खाली बैठे हो तो कुछ नया सीख लोगे तो भी इस वीडियो को देखते रहिए, और डायरेक्टली हम वीडियो पे चलते हैं। एंड थैंक यू सो मच, मैं रियली कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्लस कि आप लोग इतना प्यार देते हैं एंड यू गाइज आर रियली ऑसम। तो बैक टू वीडियो, है ना। सबसे पहला तो यार यही कि क्यों मैं अपना सर कम्प्लीटली शेव करता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक था जो मेरे इंस्टाग्राम पे आया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मैं आपको एक लिंक दे दूंगा उस पर प्रेस करो और फ्री कंसल्टिंग ऑफ कोर्स। अब होता क्या है, जब भी तुमसे ये पूछता है कि यार उसके रिसीडिंग हेयरलाइन हो रहे हैं या फिर वो एलोपेशिया से पीड़ित है या फिर उसका डैंड्रफ ज़्यादा हो गया है या फिर ऐसा है कि हाँ हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, ये भी एक रीज़न होता है, तब मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार जस्ट कम्प्लीटली शेव योर हेड वंस, आप एक महीने के लिए ट्राई करो एंड जस्ट सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। अब तो मैं ये इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली उनको लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करता है और उनको कई नई चीज़ें मालूम चलती है अपने बारे में, ठीक है। और क्विक फैक्ट कि यार हाँ मैं फ्री में कंसल्टिंग देता हूँ एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स, थिंग विच आई कैन डू टू हेल्प अदर्स, ओके। और इसके क्या फ़ायदे हुए मुझे ये तुम्हें आगे मालूम चली जाएगा। ओके, नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्यों जब कोई मिलिट्री में जाता है किसी भी मिलिट्री में तब उनके सर को बस कट किया जाता है या फिर किसी तरह कम्प्लीटली शेव किया जाता है इन सम एरियाज ऑफ कोर्स, ऐसा क्यों होता है? एंड दीज आर द रीजंस एंड बेनिफिट्स जो मैंने अपनी लाइफ में देखे आफ्टर डूइंग दिस एंड आई वाज अमेज्ड। क्यों? टाइम, बहुत टाइम बचता है यार, बहुत टाइम बचता है तुम्हारा, ठीक है। आपको यकीन भी नहीं होगा कि आप एक्चुअली 20-30 मिनट्स मिनिमम अपने बालों पे खर्च करते हो जब आपके बाल होते हैं, ठीक है। इट एक्चुअली एक्सीड्स टू 40-50 मिनट्स अ डे, ठीक है। इसके अलावा सेव्स लॉट ऑफ मनी, या सेव्स लॉट ऑफ मनी, क्योंकि देखो यार एक बार सोच के देखना कि तुम कितना पैसा खर्च करते हो, तुम्हें उसको ठीक से कटवाना पड़ता है कि हम बड़े हो गए तो ट्रिमिंग करवानी पड़ती है, स्टाइलिंग करवानी पड़ती है, उसके अलावा तुम एक चीज भूल जाते हो कि यार उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना खर्च आता है, और वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो इस चीज को। यू डोंट नीड टू थिंक ऑलवेज अबाउट हेयर्स, या जब आपके बाल होते हैं तो यार आपको हमेशा बहुत फ्री होता है कि यार मेरे बाल ऐसे रखने चाहिए, मेरे बाल ऐसे रखने चाहिए, आपको ऐसा लगता रहता है, ये फ्री थॉट्स आते ही रहते हैं। बट जब आपके बाल नहीं होते हैं, आप शेव कर लेते हैं या बस कट कर लेते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, या आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप इसके बारे में सोच के अपना दिमाग खराब करें, और ये एक्चुअली आपका बहुत सारा टाइम बचाता है, प्लस आपका एक डिसीजन कम हो जाता है अपनी लाइफ से उस पर्टिकुलर चीज़ में सोचने के बारे में और उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना ध्यान देने के लिए, ठीक है। तो ये कई चीज़ों में हेल्प करता है। उसके साथ एक चीज़, जब कोई मिलिट्री में एंटर करता है उसके हेड शेव कर दिया जाता है या ट्रिम कर दिया जाता है अकॉर्डिंग, इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन कौन सी कंट्री का है, और इसका एक बेसिक रीज़न ये भी है कि हर कोई सेम होता है, द यूनिफॉर्मिटी इज ऑलवेज मेंटेन। And why monks do this? कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप जाते हैं तो क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन ये भी है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं।
जब आपकी लाइफ से एक इंपॉर्टेंट चीज डिटैच हो जाती है विच इज योर हेयर, तो उस चीज में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं जब आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक चीज। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी, ऑफ कोर्स हर कोई यूनिफॉर्म होता है जब आप ये करते हैं। थर्ड, कि आपके पास एक चीज कम हो जाती है जिसके बारे में आपको सोचना पड़े। आई नो कि ये वही रूल्स हैं जो डिफेंस में भी अप्लाई हो रहे हैं, बट थिंक अबाउट इट, जब आप डिफेंस में जाते हैं यू नीड अ स्ट्रक्चर, व्हेन यू आर मंक यू नीड अ स्ट्रक्चर। आई नो वीडियो खत्म हो गया, पर वेट, जाने से पहले इसको लाइक कर दो यार, क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी और